दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज अदानी मार्केट में चर्चा है, खलबली है मार्केट में। आप लोग सोच सकते हैं आज अदानी का इतना तेजी से शेयर बढ़ा है। आप लोग सोच सकते हैं अदानी का जितना भी शेयर है सभी में उछाल देखने को मिला है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पर अदानी इंटरप्राइज की आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 65 रुपया पे प्लस पे मार्केट बंद हुआ, लगभग 3.44। आप लोग सोच सकते हैं लगभग 3.5% पे मार्केट बंद हुआ है उछाल में। 1 बजे अदानी का रिपोर्ट आया, आप लोग सोच सकते हैं इसके बाद अदानी का जो इसमें शेयर्स में उछाल देखने को मिला, आप लोग सोच सकते हैं। अगर की बात कर लेते हैं, अंबुजा सीमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 404 रुपया पे बंद हुआ, लगभग 1.2% पे मार्केट बंद हुआ। आप लोग सोच सकते हैं पहले अदानी का कितना भी शेयर था सभी में हमको नहीं उछाल देखने को मिला था, सभी में ग्रीन, कभी रेड मिलता था कभी ग्रीन मिलता था, पर आज जितना भी शेयर है अदानी का सभी में ग्रीन निशान पे बंद हुआ। एनडीटीवी की बात करें तो आप लोग तो यहाँ पर देख सकते हैं 177.5 पैसा पे मार्केट बंद हुआ। एनएससी की बात करते तो बीएससी 177.60 पैसा पे मार्केट बंद हुआ। आप लोग सोच सकते हैं। अब बात कर लेते थे अदानी अडर की शेयर के बारे में बात करेंगे। हाँ, अगर आप लोग ये चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। उसका भी कारण बताएंगे आपको, आज बढ़ने का अदानी का कितना शेयर तेज़ी से बढ़ा है 1 बजे के बाद, इसका भी आपको बाद में बताएंगे। पहले आप लोग देख सकते हैं अदानी ग्रीन एनर्जी का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 896.95 पैसा में मार्केट बंद हुआ। अदानी पोर्ट की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 688.10 पैसा पे मार्केट बंद हुआ। अदानी पावर की बात करते हैं 236.10 पैसा पे मार्केट बंद हुआ। अदानी ट्रांसमिशन 787.35 पैसा पे मार्केट बंद हुआ। अदानी टोटल गैस की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 688.10 पैसा पे मार्केट बंद हुआ। और अदानी विलमन की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 403.95 पैसा पे मार्केट बंद हुआ। जो अदानी का जितना भी शेयर है दोस्तों, इसमें से हमको सबसे ज़्यादा अदानी विलमन में तेज़ी देखने को मिला है, लगभग यहाँ पर 6.7% में हमको ग्रोथ देखने को मिला और 6.87% पे मार्केट बंद हुआ। आप लोग सोच सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग ये रिपोर्ट देखते हैं तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे इसी तरह का वीडियो मिलेगा और मिलता रहेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हिंडनबर्ग अदानी पर अदानी मामले पर एससी कमेटी की रिपोर्ट, पहली नज़र में कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं, सेबी करे आगे की जांच। सेबी को फिर आगे दिया है जांच करने के लिए, जिसका सुनवाई होगा जुलाई महीना में, 16 जुलाई को। इसके बाद अगस्त में इसका रिपोर्ट देना पड़ेगा। आप लोग सोच सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज रिपोर्ट आया था जिसमें कोई भी अदानी पे जो आरोप लगाया गया था हिंडनबर्ग के द्वारा, उसमें से कोई हमको रिपोर्ट साबित नहीं कर पाया, इसके कारण तेज़ी से अदानी का शेयर में गिरावट देखने को नहीं मिला, तेज़ी से उछाल देखने को मिला। आप लोग सोच सकते हैं, हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप पर लेकर रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके आगे की बात, निवेशकों में हड़कंप मच गया था। आप लोग सोच सकते हैं, जब अदानी का रिपोर्ट हिंडनबर्ग के द्वारा जो लगाया गया था और सभी में गिरावट देखने को मिला था, और आप लोग सोच सकते हैं अदानी इंटरप्राइज का 1000 शेयर प्राइस चला गया था, आप लोग सोच सकते हैं, इसके कारण हमको अभी तेज़ी देखने को मिला है। आप लोग सोच सकते हैं, सोमवार को मार्केट बंद होता है, आप लोग सोच सकते हैं जब मार्केट अदानी का उछाल देखने को मिलेगा, आप लोग सोच सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो को बहुत पसंद आएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। हाँ, अगर आपको कुछ भी सवाल है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।